अरबी छील रही है। खालू दोस्तों कैसे? और स्वीट पटेटो होते हैं ना, वैसे लग रही, लेकिन चिपचिपी है। सब्जी आज वगैरह बना के झाड़ू दे रही है। नहा के आए, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ड्रेस वगैरह धो रही थी। अब तो खेल रही है डुगू के साथ। पर डिब्बों बर्तनों पे मिट्टी। अंदर आ गई है। का वक्त है, शाम के बज रहे हैं 6। मम्मी अब हटा रही है गोबर। आज थोड़ा 6 बजे सूरज लग गया, नहीं तो और दिन तो 7 बजे लगता था। 6 बजे चले गए सूरज। धूप इतनी गर्म इतनी, मैं सर दुख रहा था आज। आइए अपनी जगह नाटक करिए पानी पीने का। ये मेरे अंगले से बोल ही नहीं रही और मैं वैसे ही देख रही है, दिखा रही है। शाम के बज रहे 6। अभी सूरज भी चले गया है। मम्मी ने अभी गोबर हटाया है। चारा डाल रही भैंसों को। ऐसे आज गया दोपहर में, अच्छा नहीं था थोड़ा। यहाँ पे डाल दिए। दादा बैठा है। आज बिल्कुल जाम हो गई। दोस्तों शाम का टाइम हो गया है। अब तो मैंने इसमें बत्ती भर के बनाई है आपको, तो बत्ती भर के बना ली। अब इनको घी में भी जानी है, तो सोचा था अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। एक जगह पे रील बनाना है, फिर बत्ती लगा के फिर ले जाएंगे। रील बना लेते फिर चलते हैं। खाना भी बनाना है, तो पहले बत्ती भिगाऊंगी फिर जब खाना बना। ठीक है, ब्लॉग के साथ बने रहना। आप देख रहे हो मौसम, आज सुबह तो बारिश हो रही थी, अब साफ है मौसम। कहने कम थोड़ी देर में चेंज हो जाता है मौसम। हेलो दोस्तों, तो आपने इतने सारे कमेंट कर रखे हैं दीदी की, बहुत ही सारे कमेंट कर रखे हैं कि दीदी आप कमेंटों का जवाब नहीं देती हो, और दूसरी बात आप घर की बुराई करती हो, ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अधिकतर कमेंटों के जवाब दे देती हूँ, आप किसी कमेंट का जवाब नहीं देती हूँ तो उसके लिए सॉरी। और आपने बोला है कि दीदी आप घर वालों की ही बुराई करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के पास अपनी पर्सनल बात, अपना
जो अपन शेयर कर लेते हैं घर की बात, तो उसमें क्या बुराई करना हो जाता है क्या? आपने बोला है कि आप बुराई करती रहती हो घर वालों की, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर वालों की बुराई वगैरह मैंने कुछ नहीं किया, जो बात है जो आपके साथ शेयर की थी मुझे थोड़ा अच्छा लगा था। भाई आप भी एक फैमिली हो, परिवार हो, तो परिवार के पास में कोई बात शेयर नहीं कर सकते थे क्या? भाई भेदभाव होता है, जो बात मैंने कह दी थी उसमें गलत क्या कहा है? तो कुछ दोस्तों ने, कुछ बहनों ने, कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि दीदी ऐसे खुद की पर्सनल बात किसी के पास में, घर की बात किसी के पास शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने जो बात थी जो आपको बता दी, आगे से ध्यान रखूँगी, आगे से नहीं बताऊँगी, अगर कोई ज़रूरी बात होगी तो ही बताऊँगी, ठीक है। तो अपना ये ब्लॉग इतना ही।